हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन निजाज लर्निंग प्लेटफॉर्म एकेडमी। दिस इज शकील पठान। ओके, हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन निजाज लर्निंग प्लेटफॉर्म एकेडमी। दिस इज शकील पठान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स पे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर्स एंड वी विल डिस्कस द बेसिक थिंग्स ऑफ इंट्रोडक्शंस। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, माय नेम इज मोहम्मद शकील पठान, आई एम एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर बीएससीएसई, हैविंग 9 प्लस ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, वर्क एज सीनियर फैकल्टी इन मेनी रेप्यूटेड स्कूल अक्रॉस इंडिया। अगर बात करें अकेडमी सब्सक्रिप्शन की, तो आपके पास टू टाइप के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल है। हेलो एसके, यू हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंक रूम बैचेस एंड क्रैश कोर्स। नाउ टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको शुभम गुप्ता, गुड इवनिंग, ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको पर्सनल को स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल एनालिसिस, स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाते हैं। एकेडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 2704 पर मंथ। एंड अगर आप पठान कोड यूज करते हैं, यस, देन यू विल गेट अ 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड। 19 फरवरी तक आपको यहाँ पर डायरेक्टली यू विल गेट 20% डिस्काउंट। ओके, या आई विल consider that, ठीक है, थैंक यू। लैम्प, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट। थ्रू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन टॉक टू योर मेंटर एंड यू कैन गेट टेक द गाइडलाइन फ्रॉम योर मेंटर। ओके, एंड यू कैन प्रिपेयर योर एग्जाम स्ट्रेटजी। या डेफिनेटली शुभम, वी विल कंप्लीट द कोर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल क्लासेस फीचर। व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पेशल क्लासेस, यू विल गेट इंटरेक्टिव लाइक क्लासेस, फूड फॉर द लर्नर ऑप्शंस, लाइक द हैंड ऑप्शंस, नेवर मिस द क्लासेस बिकॉज यू विल गेट द क्लास नोटिफिकेशन बिफोर द क्लास। यू कैन डाउनलोड द लेक्चर नोट आफ्टर द क्लास एंड यू कैन सी द क्लासेस एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। नाउ टॉक अबाउट एन अकेडमी आस्क अ डाउट सेशन की। व्हेन यू हैव एनी डाउट ऑन अकेडमी एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यू कैन सॉल्व दैट डाउट ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। यू जस्ट हैव टू टेक द पिक्चर ऑफ दैट डाउट एंड अपलोड ऑन एन अकेडमी ऐप। When you have the doubt and select your language preference, and you will get the video solution of that particular doubt. Now, this is the An Academy Ask a Doubt session. If you talk about the GATE 2023 and 24, already An Academy started new batches. You can join as soon as possible. All the batches link in the description box, and you can use my code Pathan to get a 10% discount or to join any batch on An Academy. Okay, Ascent. So already Ascent batch started. Okay, Work batch started. New batches already started, Resilience batch started, Mission DDR started, Spark, Evolve, all the batches is ongoing batches. Now talking about Academy subscription discount, if you have a good command on your subject, you can give the Academy Combat, okay, which is held in 20 February, 11 a.m, okay, 20 question, 60 minutes, okay. So if you get 1 to 3 rank, you can take a 100% discount. If you rank 15, 1 to 100, yeah, I will cover the concepts, okay. In the fluid mechanics also, I will cover the concept net. Most of my focus will be on the numerical practice, the type of numerical which come in the GATE examination. Now, very interesting news, that is 20% off. You can get a 20% off. You just have to apply my code Pathan. Just apply my code Pathan. Isko yaad rakhiyega aur yehi code lena hai. Subscription lagane se pehle yehi code lagana hai. Theek hai, chaliye. Baat karte hain. So in our last class we were discussing about the state, ठीक है, and we also discuss about the properties, ठीक है. So in the last class we just revise it. In our last class we discuss about what is the system, what is the surrounding. Okay, we cover this definition. Then we discuss about the type of boundaries, real or imaginary fixed boundary and movable boundary. Then we'll talk about adiabatic boundary, thermal boundary. Then we talk about the type of thermalized system, closed system, open system and isolated system. Okay, closed system is a controlled mass system, open system is a controlled volume system. Then we talk about the properties. Okay, what is the meaning of properties? So properties, what is the mathematical meaning of the property? Properties are the point function and the properties are inexact exact differential. That means they does not depend on the path. They only depend on the initial point and final points.
Now we'll talk about the we also discussed type of property. So we have a two type of properties, intensive or extensive. Intensive property does not depend on the size or mass of the system. Okay, and extensive property depend on the extent of the system or the mass of the system. So when we divide some volume by half, the intensive property is not going to change, like pressure, temperature, density. But extensive property will become half, like mass, volume, enthalpy, entropy, internal energy. These are the extensive properties. Now we talk about what is the state. ठीक है, तो हम स्टेट के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द स्टेट? स्टेट मीन अ पोजीशन इन द स्पेस. स्टेट मीन अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड डिफाइंड वैल्यू ऑफ ऑल प्रॉपर्टी गिवन अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम. इसका मतलब एक स्टेट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर डिफाइंड पोजीशन इन द यूनिवर्स इज नोन एज स्टेट. एक डिफाइंड पोजीशन यूनिवर्स में किसी भी सिस्टम को बताने के लिए हम लोग उसकी स्टेट डिफाइन करते हैं. और स्टेट डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? यू रिक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी टू डिफाइन द स्टेट. ओके, एंड यू रिक्वायर्ड अ प्रॉपर्टीज टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द सिस्टम इन होल यूनिवर्स. ठीक है, सो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी स्टेट एंड इफ यू हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली टू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, देन यू हैव टू डिफाइन द टू प्रॉपर्टी टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर सिस्टम स्टेट इन होल यूनिवर्स. Okay, and any operation in which one and more properties of the system change is called the change of state. ठीक है, properties are fixed और जब ये change होती है तो state भी change होती है. Initial में basically हमको चार thermodynamics microscopical variable पता थे, या फिर चार thermodynamics property पता. That was temperature, pressure, volume. And n is called number of molecules. That is also a property जिसको बाद में हम लोगों ने as a mass represent किया. ठीक है, it is also known as number of molecules. ठीक है, so these all specify the macroscopic and thermodynamic state of the system. तो generally ये चार properties जो है number of macroscopically identify करती थी thermodynamic state of the system. ठीक है, ये याद रखना कि हमने इनिशियली कितने वेरिएबल्स दिए थे? ओनली फोर वेरिएबल्स, ओनली फोर वेरिएबल्स वी जस्ट डिफाइंड. ओके, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एन. एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सिस्टम. एंड डेफिनेशन क्या है? ऑल द सिस्टम ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर टाइप. अगर जितने भी सिस्टम है इनके अंदर मॉलिक्यूलर टाइप अगर सेम है, सेम मॉलिक्यूल है, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो विद द सेम वैल्यू ऑफ दिस फोर वेरिएबल ऑक्यूपाई द सेम थर्मोडायनेमिक स्टेट. तो कोई लोग बोल सकते हैं इनिशियली हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल डिफाइन द थर्मोडायनेमिक स्टेट? मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल डिफाइन द थर्मोडायनेमिक स्टेट, इट इज फोर. इट इज नॉट एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इट इज फोर. इनिशियली इट वॉज फोर, देन वी एड सम और मोर वेरिएबल्स लाइक एंट्रोपी, एंथैल्पी. सो इनिशियली टू डिफाइन अ सिस्टम and to have the same thermodynamic state, we need a four variables. That is temperature, pressure, number of molecules, and volume. Okay, so all the system giving a molecular, same molecular type, and this is and this four state are same. Then what happened? They will occupy the same thermodynamic state. It's a very important statement with respect to interview point of view. ठीक है, सो यू जस्ट आइडेंटिफाई. नाउ टॉक अबाउट द फेज. व्हाट इज द फेज? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मास दैट इज होमोजेनियस थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर. द क्वांटिटी ऑफ मास दैट इज होमोजेनियस थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकली स्ट्रक्चर, दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन मस्ट बी सेम. दैट मीन इफ इट इज वाटर H2O, देन इट शुड बी 2:1, that is two atom is of hydrogen and one atom of oxygen. That means it's homogeneous throughout the chemical composition. Along with this, the physical structure also be same. That means all the molecules should have a same nature of bonding. Between all number of molecules which have a same nature of bond, it is also known as phase. आपको पता है, when we talk about the allotropy, we have a
मोर नंबर ऑफ फेज लाइक नॉट ओनली लिक्विड सॉलिड वेपर, सॉलिड के अंदर भी अलग अलग फेज होते हैं। जैसे कि अगर कोई स्ट्रक्चर है लाइक Fe आयरन की बात करें तो फेराइट फेज अलग फेज होता है, फेराइट इज अ डिफरेंट फेज, ऑस्टेनाइट इज अ डिफरेंट फेज, एंड अल्फा फेराइट एंड ऑस्टेनाइट एंड डेल्टा फेराइट देयर इज अ थ्री फेज। इसके अलावा मार्टेसाइट होता है और कार्बाइट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फेज है, जबकि ये सभी के सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट इनको आयरन के अलग अलग फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। इसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका एफसीसी है, फिर इसका वापस से बीसीसी, इसका बीसीटी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर टेट्रा क्यूबिक। तो सिमिलरली प्रॉब्लम बात यह है कि फेस ना केवल आप फिजिकली डिस्टिंग्विश भी आपका डिफरेंट हो सकता है, बट फेस आप उस चीज को भी बोल सकते हो जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इंटरनली अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है देन इट कैन बी अ डिफरेंट फेस आल्सो, लाइक Fe इज अ सॉलिड बट अल्फा फेराइट इज BC स्ट्रक्चर, सो इट इज अ डिफरेंट फेस। ओके, अल्फा फेराइट इज द BC स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज अ डिफरेंट फेस। ऑस्टेनाइट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो व्हेन देयर इज स्ट्रक्चर आल्सो गोइंग टू चेंज देन इट इज आल्सो नोन एज डिफरेंट फेस। Okay, so phase not only liquid, solid or gases. Solid can also have a different type of phases. In a same metal have come different number of phases also. When the unit structure change for the metals, then the phase is also going to change. So phase is not defined only by solid, liquid, vapor or gas. It's also defined by some structures also. Okay, so solid, liquid, so that is the definition of the phase. The quantity of mass that is homogeneous throughout in chemical compositions, that means the ratio of the chemicals like H2O, there is just two molecule of hydrogen and one molecule of oxygen, should same throughout the structure. And second, the physical structure must be same, physical structure. Okay, so the physical structure can be a bonding type or can be a structure, can be different. So phase consists of more than one phase is known as heterogeneous system. When we have a more than one phase, you can find out the lecture. जब आप playlist में जाइए and you will search and you will get a complete lecture. मैंने जितने सब्जेक्ट पढ़ाए ऑल हैव ऑल सब्जेक्ट आर कंप्लीटेड। ओके, फेस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेस इज नोन एज हेटरोजीनियस सिस्टम, और अगर ए सिंगल फेस सब्सटेंस इज नोन एज होमोजीनियस सिस्टम, सिंगल फेस सब्सटेंस इज नोन एज होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। Now talk about the thermodynamic equilibrium. What is the thermodynamic equilibrium? This is very, very important. Okay, let's talk about thermodynamic equilibrium. It's very, very important because most of the students basically confuse between a thermodynamic equilibrium and steady state. If I said we have a pipeline, okay, in this pipeline fluid is flowing, coming and going out, and at a particular point the temperature is constant. At particular point temperature is different but it is also constant. And if we have a block, in this block there is a temperature T1, this is called steady state condition, this is called. So my dear friend, can we distinguish between the steady state condition and thermodynamic equilibrium? Because when you don't understand what is the meaning of equilibrium and if you don't understand what is the meaning of steady state, then you always confuse between these two definitions. And in the interview always ask ki bhai kya hota hai aapka thermodynamic equilibrium, kya hota hai steady state, kya hota hai, ye hamesha pucha jata hai interview mein, baad mein aapko wahi fasayega ki what is the thermodynamic equilibrium, what is the steady state, what is the difference between these two. Yahan par bhi aapki property constant hai nahi hai, yahan par bhi to temperature constant hai during with respect to time, yahan par bhi kisi particular point par temperature constant hai, is block ka bhi temperature constant hai, to kya matlab hai iska bhai, what is the difference between these two system? In this system also temperature is constant, in this system also temperature is constant, so why we are not saying it is a thermodynamic equilibrium condition? So now
let's clear what is the meaning of thermodynamic equilibrium, then you will understand. Okay, what is the meaning of equilibrium? Steady state का मतलब होता है steady state condition means same amount of mass, is entering and same amount of mass is leaving. That means there is no accumulation of mass. Okay, that means there is no storage of mass inside the system. Second point, same amount of energy, and energy can be in the form of work or heat. Same amount of energy input and same amount of energy output. That means there is no accumulation of energy inside the system. That means there is no storage of energy inside the system. I am explaining G1. Okay. That means no energy accumulation, no mass accumulation. And in this particular condition, the temperature inside this volume properties, not temperature, all the properties inside this volume, all thermodynamic properties inside this volume will be constant. Volume is constant. Okay, the properties are not going to change with respect to time. And this type of system is called as steady state system. Properties inside the volume will remain constant with respect to time, and that system is called as steady state system. With respect to time, not with respect to position. That means the temperature at that point can be T1 and temperature at this point can be T2, but this temperature will remain constant with respect to time, and this temperature will also remain constant with respect to time. So steady state means the property is not going to change with respect to time. Okay, mark my word. Temperature at particular point could be different and temperature at another point could be different. That is not a problem. But if the system is steady state, means the temperature that particular point will remain constant with respect to time. Okay? So this system is called as steady state system. Yeah, this condition is called as steady state condition. Okay. Now let's talk about what is the difference between these two. And in mechanical thermodynamic equilibrium also we said that the property is not going to change. When we talk about the equilibrium, what is the meaning of equilibrium? The properties of the system is not going to change. That is known as equilibrium condition. When we said we have a equilibrium condition, what is the meaning of that equilibrium condition? The properties of the system is not going to change. So don't confuse between a steady state and the equilibrium condition. That's why I'm explaining this equilibrium condition with very in detail. Okay, so let's come to the definition part. A system is said to exist in the state of thermodynamic equilibrium when no change in any property. That means the equilibrium definition is also said there should not be change in any property is registered or no change in thermodynamic state. If a thermodynamic system has particular state, means the properties, the value is fixed, because in the previous definition of state, I said that if the state is fixed, that means a property is also fixed. If you have a definite thermodynamic state, means you have a definite values of the properties for that particular system, and you will have a definite position of the system in whole universe. Is that clear? So in our previous definition of state is also said, if the state is fixed, means the properties of that particular system is also fixed. That is the definition of thermodynamic equilibrium. Okay. Now come to the thermodynamic equilibrium. So this is the definition. Okay. So if certain system is in thermodynamic equilibrium, means it's by default in mechanical, thermal and chemical equilibrium. And first of all, let's understand what is the mechanical, thermal and chemical equilibrium. Mechanical equilibrium said, in the absence of any unbalanced force within the system itself and also between the system and surrounding, the system is in mechanical equilibrium. Just come to this point now.
means suppose you have a system. You have a system. Let's take an example. What is the meaning of mechanical equilibrium and what is the definition of mechanical equilibrium? That is very important to know. If you have a system, then the mechanical equilibrium said the force difference, the pressure difference between system and surrounding, should be zero. That means the pressure between system and surrounding, between surrounding and system should be same. And also said the forces must be balanced inside the system. Also between the system and the surrounding and inside the system also. That means there should not be pressure gradient inside the system. Agar suppose within the system itself and also between the system and surrounding. Let me complete my definition first, Pratik. So he said that the pressure difference between the system and the pressure difference between the system and surrounding should be zero. That means there should not be any pressure difference or gradient. Agar yahan par pressure gradient hoga, so you cannot represent the system position by a single properties because kaunsa pressure, which pressure you will referring? If the pressure difference inside the system, that means the P1 is different and P2 is different. So when you are going to define the state, what pressure you are going to refer on this PV diagram? P1 or P2? P1 or P2? That means it is not in thermodynamic equilibrium, because if there is a pressure difference inside the system, then what happens? The mass is going to flow from higher pressure to lower pressure, and this pressure is continuously going to change, and that's why this system is not in equilibrium state. If the pressure difference between the system and surrounding and this boundary is movable, then what happens? This boundary is going to expand or contract, and what happens? The pressure inside the system is also going to change. And in that particular condition also, the system is not in equilibrium condition. And it's not a mechanical equilibrium at all. So if you talk about that PV or PV, PV is same. ओके सो यहां पर क्या होगा, अगर प्रेशर, अगर सिस्टम के अंदर प्रेशर वेरी करेगा तो आपको क्या नहीं लगता कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में मास फ्लो होगा, और अगर मास फ्लो होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो होगा क्या कि प्रेशर लगातार चेंज होता जाएगा, और अगर प्रेशर लगातार चेंज हो गया तो क्या आप थर्मोडायनामिक स्टेट को एक फिक्स पॉइंट से रिप्रेजेंट कर पाओगे? आप कौन से प्रेशर की बात करोगे, P1 या P2 या फिर वो चेंज होने वाला प्रेशर? इसलिए अगर कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है में है, इसका मतलब द फोर्स बैलेंस शुड बी इनसाइड द सिस्टम आल्सो एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग आल्सो. सो व्हेन वी रेफरिंग अ स्टेडी स्टेट कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन? इफ यू टेक अ पाइपलाइन द प्रेशर इन द पाइपलाइन P1 एंड प्रेशर इन द पाइपलाइन इज P2, प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, and but the mass is flow from high pressure to low pressure region, and this why, that's why it is a steady state condition, but it is not a thermodynamic equilibrium condition, because mass is flowing inside the system. So this pipeline case is a steady state condition, not a thermodynamic equilibrium condition. Is that clear or not? So because forces is not balanced inside the system, if there not forces balanced, then mass will flow inside the system, and when mass flow inside the system, what happened? This is a steady state, not a thermodynamic equilibrium state. Okay, yes. No, अगर इवोपरेशन हो रहा है और यस इफ प्रतीक इफ देर इज अ इवोपरेशन देन व्हाट हैपन, द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, बट
देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा तो फिर सराउंडिंग से हीट कैसे आएगी सिस्टम में, और जब तक हीट नहीं आएगी तो इवोपरेशन कैसे होगा, तो वो स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी, आपकी थर्मोइक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन प्रोसेस, when we talk about, yes, this is very valid question sir, when we talk about evaporation and condensation, so let come to first thermal equilibrium condition. When a system in mechanical and chemical equilibrium is separately from its surrounding by diathermic wall, if there is no exponential change in any property of the system, what happen? When we talk about the thermal equilibrium, the thermal equilibrium means the temperature gradient inside the system and between the system and surrounding should be zero. Yeah, between the system and surrounding should be zero. So temperature gradient inside the system and between the system and surrounding should be zero. If there is a temperature gradient within the system, then what happen? Heat will flow from high temperature to low temperature. Heat will flow from high temperature to low temperature. So what happens? The temperature is going to change. So when you want to represent the state at particular point, you cannot represent the state of this system. Okay. Similarly, suppose for example, अगर हमने कोई बॉडी लिया और उसके एक जगह टेम्परेचर हाई है, दूसरी जगह टेम्परेचर लो है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक हीट फ्लो करेगी और टेम्परेचर ये लगातार चेंज होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर लगातार चेंज होगा तो आप इस सिस्टम को एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप कौन सा टेम्परेचर बोलोगे, T1 और T2, विच टेम्परेचर यू विल रेफर फॉर, T1 और T2? सो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस सिस्टम एट पर्टिकुलर पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्टेट। If there is a temperature gradient between the system and surrounding, what happen? The heat will flow whether from the system to surrounding or heat will come to from surrounding to system. So what happen again? If there is a heat continuously flowing inside the system, then it is also not a thermoequilibrium state. Suppose, so for example, he said that because there is temperature gradient, so for thermoequilibrium state, temperature within the system and temperature between the outside the system should be same. Okay. So when you talk about the condensation process or evaporation process, it is true that temperature of particular system will remain constant when there is a condensation or evaporation taking place. But. But temperature of the particular system must be higher. अगर ये evaporation हो रहा है तो surrounding का temperature high होगा, तभी तो heat इस पर आ रही है और तभी तो यहां से evaporation हो रहा है। और अगर ये evaporation हो रहा है, heat यहां पर आ रही है, तो इसका मतलब ये steady state condition है, ये basically thermoequilibrium condition नहीं है। Pratik said, what is the one example of steady state condition and bilkul. So example of steady state system is turbine. Practical example of steady state system is turbine. Theek hai? Steam is coming inside the turbine and steam is going inside the turbine, but the properties inside the turbine will remain constant. It is a steady state condition. Turbine, compressor, nozzle, diffuser, throttling valve, these all the steady flow devices. But now you talk about what is the thermoequilibrium. So apne mej par rakhi hui copy ko dekho. Agar aap
इसके टेम्परेचर को मेजर करोगे तो क्या ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से आपके मेज पर रखी हुई है। इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिकली कौन सी, और इस पूरी 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 कॉपी का जो टेम्परेचर होगा वो यूनिफॉर्म ही होगा, ऐसा तो है नहीं एक एंड का टेम्परेचर ज्यादा एक एंड का टेम्परेचर कम, वन एंड टेम्परेचर विल बी हाई अदर एंड टेम्परेचर विल बी लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ दिस बुक बेसिकली प्लेस इन द सराउंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द टेम्परेचर ऑफ दिस बुक एंड सराउंडिंग विल बी सेम एंड द टेम्परेचर ऑफ द बुक ऑल्सो एट एवरी पॉइंट इन द बुक इज ऑल्सो सेम। इट इज अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इट इज अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, योर बुक इज बेसिकली प्रेजेंटिंग अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो बुक ऑन द मेज इज बेसिकली अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज देयर मस्ट बी अ केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन देयर शुड नॉट बी नो ट्रांसफर ऑफ मास, दैट शुड नॉट बी नो ट्रांसफर ऑफ मास। ओके, सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन देयर शुड नॉट बी एनी वर्क ट्रांसफर, द वर्क ट्रांसफर मस्ट बी जीरो। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन देयर शुड नॉट बी हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर शुड बी जीरो। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मीन द मास ट्रांसफर शुड बी जीरो। And for example, how the mass is going to transfer? Suppose you have a water of glass, okay? And you just put a salt piece on this water of glass. What happens? The salt concentration at that this particular point is very high, and overall glass in the whole and remaining part is almost zero. After some time, what happens? This salt will dissolve in this fluid. slowly dissolve in this fluid, and after some time the salt concentration will be same throughout the water. Thank you very much beta Manoj and every student, please if you need a more lecture, first of all you must confirm, pehli baat to aap log ye bilkul sure ho, mere previous student se pooch lo, और यहाँ पे मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो आप लोग, मैं 1.5-2 साल से हो गए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। तो भैया देखो, जितने भी मैंने क्लासेस ली हैं, मैंने ऑलवेज कोई भी सब्जेक्ट कभी भी बीच में नहीं छोड़ा है। जब कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो उसको फिनिश हमेशा किया है, और जिस लेवल का मैंने फिनिश किया है दैट इज मोर देन इनफ फॉर गेट ESC एंड PSU बोथ। और ये आपको रियलाइज हो जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा गेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं, तुम खुद तुमको ऐसा लगेगा गेट के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, और बाकी को तो हम उड़ा देंगे। तो इसलिए पहली बात तो आप श्योर हो, अगर आप क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हो तो केवल आपका काम ये होना चाहिए कि मैं क्लास रेगुलर आऊं, सर का जब टाइम है टाइमिंग देख लूं और मैं क्लास रेगुलर आऊं और जो सर बोल रहे हैं उसके नोट्स बनाऊं, बाकी काम मेरा है। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने घंटे में पूरा होगा, कितने, भैया देखो सबसे पहली बात, मैंने कोई भी सब्जेक्ट को जितना नेसेसरी है उतना ही मैं पढ़ाता हूँ, कोई सब्जेक्ट को मैंने खींचा नहीं है, आज तक नहीं खींचा। जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ। आज तक अगर कोई 40 आवर्स का सब्जेक्ट है तो वो 40 आवर्स में पढ़ाया जाएगा, बीच में राम कहानी नहीं सुनाई जाती। मैं बीच में ऐसी बातें नहीं करता स्टूडेंट से कि शायरी सुना रहा हूं, तो मैं गाने सुनाऊँ, ये मेरा नेचर नहीं है। जितना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जितना चीजें आपको बताने की वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है? जितना नीडेड है ऑल आई विल कंप्लीट। डेली 8:30 PM पर ये क्लास रहेगा, ठीक है? 8:30 PM श्योर। अब आप डेली आपको क्लास में आना है, आपको अपने पार्ट से क्या करना है, आपको अपने पार्ट से ये इंश्योर करना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स प्रॉपरली आप बनाओ, क्लास में रिवाइज करके आओ, और जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन, इफ यू आर कमिंग, यू आर कमिंग विद क्वेश्चंस, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट इन वेरी डिटेल। ओके, सो पॉइंट ये है कि क्लास में आओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो बोल रहा हूं वो सुन लो, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद भी, लेक्चर देखने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपने को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, आई विल एक्सप्लेन इन प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो देखो, बात ये कि टीचर का काम हो वो टीचर को करने दो, तुम्हारा काम है पढ़ने का, तुम पढ़ाई करो।
तीन लेक्चर में तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा जितना डिटेल में मैं थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ा रहा हूँ, इतना यूट्यूब पर मिलना इम्पॉसिबल है। आप बहुत सारे लेक्चर देखोगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में सब्जेक्ट कम करते हैं या फिर बहुत चीजें छोड़ देते हैं यार। अभी मेरा आईसी इंजन का लेक्चर आप देख के आओ, पावर प्लांट का लेक्चर आप देख के आओ, डायरेक्ट क्वेश्चन था गेट के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का पढ़ाया गया। गेट ईएससी के आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं हर टाइप के। तो प्लीज प्लीज बी रेफर, अपने पार्ट से अपना काम करो, मैं अपना पार्ट बहुत सिंसियरली करता हूं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके, देयर नॉट बी एनी मास ट्रांसफर इनसाइड द सिस्टम इन बिटवीन, जस्ट फॉर एग्जांपल सॉल्ट, व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, ओके। तो यहां पर क्या होता है, सॉल्ट को अगर हमने घोला तो थोड़ी देर बाद सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, दैट मींस मास यहां पर डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन टू मेक द कंसंट्रेशन सेम थ्रू आउट द सिस्टम। ओके, सो दैट इज द रीजन। सो इफ देर इज नो केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट, ये मोनोलॉग्स जो है चलते रहते हैं, ओशन इज मोर हीट, अरे ऑब्वियस है, द मास, इफ द सिस्टम हैविंग अ मोर मास एंड टेम्परेचर इज लेस दैट इट हैज हैविंग अ मोर हीट, बिकॉज क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वेदर यू आर हैविंग अ हायर टेम्परेचर, वेदर यू हैविंग अ मास, मोर मास मीन्स यू आर कैरिंग मोर हीट। इफ द टेम्परेचर ऑफ ओशन ड्रॉपेड बाई 1 डिग्री सेल्सियस यू रिलीज एम्पल अमाउंट ऑफ हीट, बट टेम्परेचर ऑफ कॉफी इफ यू रिड्यूस बाई 10 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो यू विल नॉट जनरेट दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एज कम्पेयर टू ओशन। रीजन इज दैट द टी मास इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ओशन मास, सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, हीट इज डिफरेंट, टेम्परेचर डिफरेंट। वट इज द नॉट डिफरेंट इज दैट आपको पता है कि टेम्परेचर और हीट को बहुत टाइम तक एक सेम क्वान्टिटी माना जाता ना, ओके या प्रतीक, व्हेन यू सेड अ वैक्यूम, वैक्यूम मींस, वैक्यूम डज नॉट ऑलवेज मीन मास लेस सिस्टम, वैक्यूम ऑलवेज ऑल्सो रेफर टू अ प्रेशर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ओके। सो वैक्यूम ओनली मीन्स इज नॉट समथिंग कि आप ये कहते हैं कि देर इज नो मास ट्रांसफर, वैक्यूम डज नॉट ऑलवेज मीन देर इज नो मास इनसाइड द सिस्टम, वैक्यूम ऑल्सो मीन्स द प्रेशर इनसाइड द सिस्टम इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो वैक्यूम को यू शुड यूज वैक्यूम वर्ड वेरी केयरफुली, व्हेन वी सेड वैक्यूम क्लीनर मींस व्हाट इज द मीनिंग, यू आर नॉट जनरेटिंग कंप्लीट वैक्यूम, यू आर एब्सोल्यूट वैक्यूम इनसाइड द दैट वैक्यूम क्लीनर, यू आर जनरेटिंग पार्शियल वैक्यूम, वैक्यूम मींस नॉट कंप्लीटली मासलेस सिस्टम। नाउ नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ प्रोसेस, सो सक्सेशंस ऑफ द स्टेट ज्वाइनिंग बाय पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज टाइप प्रोसेस, सो द सक्सेशन ऑफ स्टेट पासेस थ्रू अ ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज पाथ ऑफ द सिस्टम सिस्टम एंड सिस्टम इज सेट टू गो थ्रू अ प्रोसेस इफ इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंज ऑफ इन स्टेट, ओके। अ सिस्टम में अंडरगो चेंज इन सम और ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, अ प्रोसेस दरमियान लाइक स्टेज इन अ सिटी। तो प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि एक पाथ है, गली है स्ट्रीट के अंदर, लाइक आपके रास्ता है, उसी की तरह एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, एंड एज अ मैटर ऑफ रूल वी अलाउ वन प्रॉपर्टीज टू रिमेन अ कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस। तो पाथ तो कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस की बात करें तो एज अ थम रूल हम लोग क्या करते हैं, जनरली ड्यूरिंग द प्रोसेस वी मेक वन प्रॉपर्टी एज अ कॉन्स्टेंट, वी टेक वन प्रॉपर्टी एज अ कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ प्रोसेस, सपोज वी हैव अ आइसोथर्मल प्रोसेस, मीन्स वी आर टेकिंग अ टेम्परेचर एज अ कॉन्स्टेंट एंड देन वी आर एग्जीक्यूटिंग अ पाथ, so that is called isothermal process. When we talk about isobaric process,
means we are assuming our pressure is constant and then we are performing certain changes on the system. Isochoric means we are assuming our enthalpy is constant and when we are performing ओके प्रतीक आई विल कम ऑन दिस जब हम लोग कभी हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो आई विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है वो मुद्दे से भुटक जाएगी चीजें व्हेन वी टॉक अबाउट आइसेंथैल्पिक मींस वी आर टॉकिंग द एंथैल्पी इज कांस्टेंट आइसोसेंट्रिक मींस कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट दैट मींस एक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज एडियाबेटिक मींस नो हीट और रिमूवल प्रोसेस सो द जनरली ड्यूरिंग अ प्रोसेस वी अज्यूम वन क्वांटिटी इज कांस्टेंट ठीक है नाउ टॉक अबाउट द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट स्टैटिक मीन्स कॉन्स्टेंट ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी स्टैटिक सो व्हाट हैपन माय डियर फ्रेंड When we talk about the thermodynamic process, for example, we have a piston cylinder arrangement. Okay. And we are placing a 50 kg mass on the piston cylinder arrangement. For this particular position inside the system, we have a pressure P, temperature T, volume V. Okay. Suddenly, when we remove this 50 kg of mass, what happens? This piston moves very, very fast to next equilibrium position. This piston moves very, very fast to our next equilibrium condition. So during this process, you only know initial condition and final condition. You don't know the intermediate position. Why? Because the process is very fast. Because when you are going to measure the pressure, what happened? The volume is going to change. When you are going to measure the volume, the pressure is going to change because this is the dynamic condition. For example, if someone asks to you, if you are accelerating bike and he said, what is the speed of the bike? You know you are accelerating the bike. When he said particular speed, a speed is going to change at all. So, होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई बाइक को आप रेस दे रहे हो और आपसे पूछ रहा है भैया कितनी स्पीड है बाइक की तो वही ऑब्वियस सी बात है कि आप जब उसको कंटिन्यूसली रेस दे रहे हो तो स्पीड तो इंक्रीज हो रही है जिस समय वो पूछेगा उसी समय इंक्रीज हो जाएगी तो जो बोलेगा वो तो गलत बोल रहा है तो यहां पर भी होगा क्या कि जब प्रोसेस हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि जब आप हो रहा है कोई चीज डायनेमिक कंडीशन में है तो प्रॉपर्टीज आप कैसे मेजर करोगे अगर आप मेजर करोगे तो वो गलत होगी क्योंकि वो तो लगातार चेंज हो रही है जिस समय आप कोई प्रॉपर्टी बोलोगे उसी समय दूसरी वैल्यू आ चुकी होगी सो ड्यूरिंग अ प्रोसेस यू कैन नॉट मेजर द प्रॉपर्टी बिकॉज द स्पीड ऑफ द प्रोसेस वेरी फास्ट or you cannot measure the property during the dynamic conditions. So that is the very reason. Okay. So you cannot measure the properties during the dynamic conditions. Okay. You can only measure the property during a equilibrium conditions. Okay. And all the thermodynamic process by default is very fast process, dynamic process. Because when the process is going to take place, what happened? Actually, there is a transfer of energy when there is a transfer of energy then properties are continuously changing so how you can measure the property so in whole thermodynamics we take one assumption what assumption it is we assume all process in thermodynamics as a quasi static process to measure the properties of that particular process or to represent the process on the PV diagram or properties diagram ठीक है तो इन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सभी प्रोसेस को क्या अज्यूम करते हैं क्वासी स्टैटिक अज्यूम करते हैं अगर हमने क्वासी स्टैटिक अज्यूम नहीं किया वी कैन नॉट मेजर द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल पाथ सो व्हाट हैपन हम लोग अब यहां पर गेम खेलते हैं वी जस्ट प्ले वन प्ले वी अज्यूम दिस इज नॉट अ 50 किलोग्राम ऑफ मास इट इज 50 किलोग्राम ऑफ सैंड व्हाट हैपन नाउ If we remove 1 gram of sand, what happens? The piston move and it will reach to a certain position. Okay, then we are going to measure the property and we just represented by it point. Then again, we just remove 1 gram of sand. What happens?
again it will achieve a second equilibrium position, then we will represent that equilibrium position with dot. Again there is, they will remove 1 gram of sand, then it will reach us next equilibrium position represented by dot. Then again it position, so there's thousand of number of equilibrium state, we divided thousand of number of equilibrium state, and what happened now, we can represent this whole process by this path. We will join this dot, and now we can represent this whole process by this path. So to represent a thermodynamics process, we assume all the process in thermodynamics as quasi-static process, otherwise we cannot represent them. So a quasi-static process basically pass through a thousands of thousands thermodynamic equilibrium state. And what is the meaning of thermodynamic equilibrium state? When the properties of system will become constant and it become a measurable. ठीक है, तो होता क्या है, एक क्वासी स्टेटिक प्रोसेस लाखों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट से होके पास होता है. और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रोसेस को पीवी डायग्राम, पीएस डायग्राम, प्रॉपर्टी डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर पाए, उसको दिखा पाए. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट पोजीशंस पता नहीं चलेगी, और अगर इंटरमीडिएट पोजीशन पता नहीं चलेगी तो आप प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो जितने भी प्रोसेस सॉलिड ड्राइंग से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दे ऑल आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. जितने भी प्रोसेस एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दे ऑल आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. So all the process represented by the solid line is known as quasi-static process. So agar koi process is tarah se show kiya ja raha hai, it is a solid line, that means is it a quasi-static. But agar ye process aise show kiya jata hai, that means it is non quasi static process. ठीक है, तो quasi static and non quasi static के बारे में समझ में आ गया आपको. Pratik, when I explain the entropy, then you should ask this question. Okay. So this is called non-quasi-static process. So quasi-static process and non-quasi-static process, now you understand. Now what is the reversible process? अब ये बहुत misconception होता है. Lot of teacher and student also said, generally ऐसे कह देते हैं कि sir all the quasi static process are the reversible process. और फिर ये statement को reverse भी कर देते हैं कि sir all the reversible process are quasi static, all the reversible process are quasi static. वापिस सुनना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर द रिवर्सिबल प्रोसेस, फिर सेकंड स्टेटमेंट ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक. फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल. ठीक है, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक. स्टेटमेंट टू,
ये इंटरव्यू बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे फटाक से। अब आप बताओ क्या पहला स्टेटमेंट और सेकंड, ऑल फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, और फोर्थ बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड बताओ मुझे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, विच ऑप्शन इज राइट। स्टेटमेंट इज ऑल क्वासी स्टेटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टेटिक। ये एक स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टेटिक और ऑल क्वासी स्टेटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल। Which of the following statement is correct? Both statement first and second are correct. Statement first is correct. Statement second is incorrect. Sir, statement second is correct. Statement first is incorrect. Sir, statement both statement is incorrect. Can you give the answer? Anybody? Can you guess the answer? All reversible processes are quasi-static. Three. Statement second is correct. Statement first incorrect. Very good. फर्स्ट इज करेक्ट, देखते हैं आंसर क्या होगा, विच विल बी द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज द एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? Meaning of reversible process means if you reverse the path of the process, the net effect on universe must be zero. What is the definition? A reversible process is one which can be stopped at any stage and reversed so that the system and surrounding are exactly restored to their initial state. Okay, this is the definition of reversible process. इसका मतलब अगर हिंदी में सुनो तो अगर कोई प्रोसेस उसको कहीं पर भी रोके और उसके बाद अगर उसके डायरेक्शन को रिवर्स करें तो आपका जो सराउंडिंग है, योर सिस्टम है, इट विल देयर रीस्टोर देयर इनिशियल स्टेट। दैट मीन देयर मस्ट बी नेट चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग शुड बी जीरो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ब्लॉक है जो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे लगा हुआ है, अ ब्लॉक आर प्लेसिंग ऑन फ्रिक्शन लेस सरफेस एंड व्हाट हैपन इफ दिस ब्लॉक स्लाइड डाउन, व्हाट हैपन, सम अमाउंट ऑफ वर्क वी विल गेट बिकॉज सपोज वी अटैच अ पुली विद दिस वेट, व्हाट हैपन, इट विल राइज द वेट, ठीक है, सो वी विल गेट सम वर्क डन, वील फाइंड सम वर्क डन एंड वी विल अप्लाई, व्हेन वी अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन दिस ब्लॉक विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, सो व्हेन दिस मास स्लाइडिंग डाउन ऑन दिस वेज, व्हाट हैपन इफ इट इज राइजिंग अ वेट, इट विल डन सम वर्क डन। ओके, बिकॉज एमजी एच जितना हाइट तक राइज करेगा, if we give the same amount of work done, this block will restore its initial position.
That means this block, this condition is called as reversible process condition. Because net effect on system or surrounding is zero. Net effect on system and surrounding is zero. But if the condition is like that, if this block is basically on a frictional surface, what happens when this block sliding down, it will lose some work in the form of frictional work. And what happens, that work loss as a heat to the surrounding, so the surrounding temperature may be changed. And when we apply the same amount of work, it is not going to come its initial equilibrium position. And again, it is going to lose some heat. So, input work, output work will be less or input work will be high. That means there is some net effect on system or surrounding and surrounding. So, my dear friend, hoga kya? To is tarah ke process ko hum kya kahenge? Irreversible process. या इसका एक फनी सा एग्जांपल ये है कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस, मैं इसको इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती है. व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट सो मच, मैं बोल दूं रिवर्स कर दो, हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस. कई बच्चों को डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है और उस वजह से दे आर कंफ्यूज, सो कंफ्यूज बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो अगर मैं इसका रिवर्स, बात समझ में आ गई. सो फॉर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल आपको पेश करता हूं, यहां पर बताता हूं आपको कि अगर सपोज इफ यू वांट अ प्लान टू गो टू पार्टी विथ योर फ्रेंड, अगर आपने एक प्लान बनाया कि आपको अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, वो भी रात को 12 बजे पब में जाना है, आपने ये प्लान बनाया बिकॉज आपका बर्थडे है, बट यू नो योर फादर इज सो स्ट्रिक्ट. You just plan to have a party at 12 midnight and what happened? But your father is so strict. So how hoga kya? Aap bahut pyar se uthenge. Apne dost ko pehle se instruction denge ki message dal diya mujhe. You just give your instruction to your friend. Ki bhai, just give me a message. Okay, when you come outside, what happened? You will slowly rise. You will lie pillow on the pillow. You will cover the pillow with the blanket, you will rise, you go out and you jump the wall and you go with the friend, you will have a party and you come back and then you sleep. What happened? Your surrounding, your father, your relatives don't know actually you go to the party at midnight. Nobody knows. And the process happened and it is finished. Okay, you come back to your initial position and surrounding don't know about it. Okay, so that net effect on the surrounding. आप अपने घर पर आ गए लेकिन आपके आसपास के लोगों को कुछ नहीं पता. ठीक है, आपने पार्टी करी, मजे किए और आप घर पे आके सो गए. लेकिन उसी केस में अब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल कैसे हो सकता है? एट द सेम केस, इफ यू आर प्लानिंग टू जंप द वॉल, लेकिन बाई मिस्टेक वॉट हैपन, what happened, you just drop something. हो सकता है आपने कुछ गमला गिरा दिया हो. तो गमला गिराया, जैसे गमला गिराया तो हुआ क्या, आवाज हुई तो आपका टॉमी भोगने लगा. ठीक है, आपका टॉमी चिल्लाने लगा, योर डॉग एक्चुअली बार्किंग. सो व्हाट हैपेंड, आपके जो सराउंडिंग है, घर वाले सब जग जाएंगे, आपके जाने से पहले उनको पता चल गया. या फिर हो सकता है आप दीवार कूदे लेकिन दीवार कूदने के साथ साथ गमला गिर गया, गमला फैल गया वहां पर, तो सुबह पापा उठे तो पता चल गया भैया कोई ना कोई तो गया था. तो आपके सराउंडिंग को पता है कि ये प्रोसेस हुआ है बिकॉज यू लीव सम ट्रैक. ठीक है, नाउ योर सराउंडिंग नो कि दिस प्रोसेस इज हैपन. सो इन दैट पर्टिकुलर केस योर प्रोसेस इरिवर्सिबल, क्योंकि जो आपने इफेक्ट छोड़ा है वो इरिवर्सिबल है और जो आपके पापा आप पे इफेक्ट छोड़ेंगे वो भी इरिवर्सिबल होगा क्योंकि आपकी बहुत धुलाई होगी. ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इस कंडीशन में आप क्या हो, इरिवर्सिबल हो, क्योंकि आपने सराउंडिंग को पता चलने दिया कि भाई आपने ये प्रोसेस किया है. व्हेन यू रिस्टोर द योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन द प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल, व्हेन यू जनरेट सम इरिवर्सिबल चेंज इन सराउंडिंग, लाइक यू जस्ट ड्रॉप सम पोर्ट. ओके, सो व्हेन दिस ब्लॉक इज बेसिकली मूविंग,
There is a friction loss, and this friction loss, your frictional work loss as a heat to the surrounding. So same amount of heat add to the surrounding. So surrounding temperature is changed. Okay, now this temperature is not going to drop. Again, when your block move backward direction also, but you also release some heat, and that heat add to the surrounding. So surrounding position is going to change. So surrounding, no, this process is happening. First condition is that. Second condition is that what happened? Your process become very very fast, or you don't know the intermediate positions. जैसे कि मैं example देता हूँ, आपने दीवार को कूदा, दीवार कूदी आपने और गलती से आप क्या हो गए, सर के बल गिर गए. जैसे सर के बल गिरे आप तो सर पे चोट आई. अब आप दोस्तों के साथ पार्टी बनाने चले गए, ठीक है पार्टी बना ली, लेकिन जैसे घर आया आपको घर का रास्ता पता नहीं है. दैट मीन्स नाउ यू कैन नॉट रिवर्स बैक. आप रिवर्स ही नहीं कर सकते. उस कंडीशन में आपका जो प्रोसेस वो बाय डिफॉल्ट इरिवर्सिबल हो जाता है, और ऐसी इरिवर्सिबिलिटी को हम इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं. तो जो फ्रिक्शन था वो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, कि भाई आपने कुछ नेट इफेक्ट सराउंडिंग पे छोड़ा, तो दैट इज एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी. आपके प्रोसेस की वजह से कुछ इफेक्ट सराउंडिंग की हमेशा जा रहा है, एज अ हीट कुछ इफेक्ट सराउंडिंग में हो रहा है. लेकिन हो सकता है कि प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में, प्रोसेस पॉसिबल ओनली वन डायरेक्शन, बिकॉज यू डोंट नो द पाथ, यू डोंट नो द रिटर्न पाथ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि आप सर के बल गिर गए, आपके सर में गहरी चोट आई, अब आपको घर नहीं पता, दोबारा घर आए नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि सराउंडिंग को सबको पता चली जाना है. तो उस कंडीशन में भी आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा. बट दिस इरिवर्सिबिलिटी बिकॉज यू कैन नॉट रिवर्स द पाथ. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यू जस्ट ड्रॉप अ पिन, भूसा, भूसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, इन बुश. तो गांव में क्या होता है, भूसे में सुई गिराना एक मुहावरा है, कि भाई भूसे में सुई गिरा दी, अब उसको मिलेगी कैसे. आप मैग्नेट की मदद नहीं ले सकते, भूल जाओ मैग्नेट नहीं है, आप भूसे में सुई कैसे ढूंढोगे. तो ऑब्वियस ही बात है वो वन डायरेक्शन में ही हो रहा है प्रोसेस, दूसरा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. जैसे कि दो गैसेस को आपस में मिक्स कर देना, इफ यू मिक्स टू गैसेस तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपने दो गैसेस को मिक्स कर दिया, तो आइडियल गैसेस को मिक्स कर दिया, तो वापस से उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो इट्स अ बाय डिफॉल्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये केवल एक ही डायरेक्शन में होगा. आपने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्स कर दिया, नाउ यू कैन नॉट सेपरेट द हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर इन एग्जैक्ट अमाउंट. सो दैट्स इज द प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस. बट दिस इरिवर्सिबिलिटी इज नोन एज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. So friction is external irreversibility, these type of irreversibility is internal irreversibility, like viscosity is internal irreversibility. Okay, when the fluid is flowing, viscosity associated with the fluid flowing and the friction between the fluid layer. So what happens when the fluid is always flow, there will be a viscosity, and if there is a viscosity then it is already irreversible. So whenever there is a fluid flow, it is an irreversible process. So these are the internal irreversibility. Okay, so we have a two type of irreversibility. One is called external irreversibility. They are associated with the dissipation effect outside the working fluids. For example, mechanical friction during a process due to some external source. Internal irreversibility like unrestricted expansion of gas, viscosity, inertia of gas. These are called internal irreversibility, which create a dissipating effect within the working fluid, or sometimes this irreversibility will make a process path in the backside impossible. So we have a this kind of irreversible process. So irreversible processes are usually denoted by a dotted line. ठीक है, तो एक बार बताओ इनिशियल, ठीक है बाद में यहां तक. तो रिवर्सिबल प्रोसेस को आपको समझ में आ गया. द रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन रिवर्स द पाथ एज वर इनिशियली विजिटेड इन द फॉरवर्ड पाथ. दिस प्रोसेस व्हेन अंडन विल लीव नो हिस्ट्री ऑफ इवेंट इन द सराउंडिंग. इट मस्ट पास थ्रू अ कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट. फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑल नियरली रिवर्सिबल, बिकॉज नो प्रोसेस इन द यूनिवर्स इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो सम एग्जाम्पल फॉर नियरली रिवर्सिबल प्रोसेस आर frictionless relative motion, expansion and compression of spring, frictionless adiabatic expansion compression of fluid,
polytropic expansion compression of fluid, isothermal expansion compression of fluid, and electrolysis. These are some example which is nearly reversible process. Now, irreversible process. An irreversible process, one in which heat is transferred through a finite temperature. जैसा कि मैंने आपको कहा अभी, so we could have a two type of irreversibility. External irreversibility, these are associated with the dissipation effect outside of working fluid. Internal irreversibility, जैसे कि for example this. So example of irreversible process, an irreversible process usually denoted by the dotted line. Which indicate the end state to the indicate that intermediate state are undetermined. हमें intermediate state नहीं पता. जैसे कि for example relative motion with the friction, elasticity flow through a resistance, plastic deformation, diffusion, throttling, heat transfer, combustion, free expansion. These all are irreversible process. So this picture represent a beautiful irreversible process. Like when you just एग, अगर आपने एग को फोड़ दिया तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ओके, वापस से एग को वहां पर शेल में नहीं डाल सकते आप, ठीक है. अब बात आती है कि एनी क्वासी रिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक डेफिनेटली, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस हैज टू गो विथ इक्विलिब्रियम स्टेट. इसका मतलब इंटर, सुनो, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होते हैं, और जब इनकी डायरेक्शन को रिवर्स किया जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज पासिंग थ्रू अ इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड व्हेन देयर इज डायरेक्शन रिवर्स they will no leave no history of event in surrounding. These are the reversible process. So the reversible process must be quasi-static, because the quasi-static process only goes through a thermodynamic equilibrium state. Because if the process are non-quasi-static, you don't know the intermediate positions. You don't know the intermediate position. You know initial and you know final position. You don't know the intermediate position. When we don't know the intermediate position, you cannot reverse the path. You know only initial and final condition. You don't know the intermediate conditions. So you cannot reverse the path. So reversible process are quasi-static. Always quasi-static. That's why the reversible process are quasi-static represented with a inner circle. But when we talk about quasi-static means very slow process. So all the quasi-static not reversible. All the quasi-static are not reversible, because when I'm rubbing my hand, I can rub my hand with the two conditions like this. It is non-quasi-static. If I'm rubbing a hand with very slowly, then it is quasi-static. Okay. Quasi-static means the slow process. Okay. So when I am rubbing a hand slowly, it is a quasi-static. But when I'm rubbing my hand slowly also, there is a friction between my hand. What happened? It is an irreversible process. It is a quasi-static, but it is an irreversible quasi-static. Because suppose another example, you have a piston cylinder arrangement. What happened? There is a two possibility. First possibility is that this piston is moving up and down and there is no friction. So this is the process, and if this process becomes slow, then it is quasi-static and reversible process. But this process is slow, but if there is a friction present between the cylinder and piston, what happens? This will be the slow or quasi-static irreversible process.
एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टेटिक, बट ऑल क्वासी स्टेटिक आर नॉट रिवर्सिबल, ऑल क्वासी स्टेटिक आर नॉट रिवर्सिबल, जस्ट टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इन दिस तो ऑल क्वासी स्टेटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ये पहला स्टेटमेंट गलत है. ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टेटिक, सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज गलत. ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर नॉट क्वासी स्टेटिक, सॉरी ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टेटिक, बट ऑल क्वासी स्टेटिक इज नॉट रिवर्सिबल. All reversible processes are quasi-static, but all quasi-static are not. Quasi-static means only a slow process. If I am moving a block slowly and if there is a friction present, that process become irreversible. That process become irreversible. So the process of quasi-static can also be a irreversible process. So agar process keval slow ho raha hai, iska matlab ye nahi hota ki wo hamesha reversible hoga. एक स्लो प्रोसेस भी इरिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसको स्लोली ही होना पड़ेगा, अदरवाइज उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी बीच में, और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो रिवर्स नहीं कर पाएगा पाथ, क्योंकि उसको पाथ ही नहीं पता होगा. Yes. Oh, sorry. क्या बोलते हैं, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस विदाउट डिफ्यूजन इफेक्ट. नो 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 नो, इफ द क्वासी स्टेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल. यस यस, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस विदाउट डिफ्यूजन इफेक्ट इज रिवर्सिबल. Now you understand? So अभी हमारा special class है, अभी 10 बजे से मैंने रखा है for bar question practice. And you can give the exam with any branch in the gate, but problem with this, when you go for the counseling for MTech or you will apply for PSUs, you are not going to select in that PSUs. So sometime you can get a M.Tech degree also, you can acquire knowledge in any branch, lekin what happen with that, you will not get a job. ठीक है, अगर आपका electrical background है, if you have a electrical background, if you want to go in thermodynamics because both are the core branches, then it's very less possibility you will get a job. Yeah, whether it is IIT M.Tech or NIT M.Tech, the company is not going to select you because they will looking forward for the candidate who did B.Tech and M.Tech in same branches. Okay, but I will suggest you, if you have a electrical background, please did M.Tech in allied branches, like you can go for data science. You can go in CSIT field because you know in electrical student also you can go in that field, because in CSIT they will not concerned about your branch, they will only concern whether you know the coding, whether you have a knowledge, they will select you, because in all the vacancies of the basically computer science engineering or computer science basically companies, they just
नॉट केयर अबाउट योर ब्रांच, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आईआईटीज में आती हैं, एनआईटीज में आती हैं, जितनी भी कंपनी सॉफ्टवेयर की आती हैं, वो कभी भी ब्रांच स्पेसिफाई नहीं करती। वो हमेशा कहती हैं अगर आपको कोडिंग आती है, आपको लैंग्वेज आती है, आप यहाँ पर बैठ सकते हो। तो चाहे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आप उन ब्रांचेस में बैठ सकते हो। तो बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट यही रहेगा, नहीं बेटा देखो वीएलएसआई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ट्रूली फैक्ट बताता हूँ ऑल स्टूडेंट को। देखो अगर आपको जॉब चाहिए और आपका मोटो गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आपको एक अच्छी डिसेंट जॉब चाहिए जहाँ 1-1.5 लाख की सैलरी हो, प्राइवेट जॉब हो, घर से काम हो जाए, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहे, तो अभी के टाइम में इंडिया के अंदर जो जॉब्स हैं वो बेसिकली आईटी फील्ड में ही हैं। अब इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। अगर आप किसी और ब्रांच में हो, आपको जैसे इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, आप डाटा साइंस में एमटेक कर लो, अगर आपको केवल जॉब चाहिए आपकी जॉब न्यू लग जाएगी। आप मशीन लर्निंग का कोर्स कर लो, आपकी जॉब न्यू लग जाएगी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोर्स कर लो, आपकी जॉब न्यू लग जाएगी। आप यहाँ पर मैटलैब सीख लो, आप सीएफडी सीख लो, सॉफ्टवेयर नॉलेज ले लो, आपकी जॉब न्यू लग जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरी कोर ब्रांच पढ़ के मेरी जॉब लगेगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो केवल एक ही तरीका है कि आप एग्जाम दो, बार का एग्जाम दो, इसरो का एग्जाम दो, कंपटीशन एग्जाम दो टेक्निकल नॉलेज के थ्रू, और फिर उनके थ्रू आप सिलेक्शन लो। जैसे कि पीएसयूज में आप एग्जाम दीजिए और वहां के इंटरव्यू में बैठिए, तो वो एक ही तरीका है। लेकिन टू बी फ्रैंक अगर आपको बताऊं, इफ यू वांट अ जॉब ओनली, तो यू शुड गो। और ये सजेशन आपको याद आएगा, जितना दिन कंफ्यूजन में रहोगे उतना ही प्रॉब्लम करेगा। और अगर आपने एक बार कोडिंग वगैरह डाटा साइंस ये कर पुरा के, तो आपका जॉब तो लग जाएगा, ये मैं श्योर कह रहा हूं। आईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर था, मतलब 100 से ज्यादा कंपनीज आती है आईटी वाली। और कोर ब्रांच की अगर आप देखोगे तो कोर ब्रांच की जो कंपनियां हैं वो 5 से 10 मैक्सिमम बता रहा हूँ, जो अच्छी से अच्छी आईटीज में। और सॉफ्टवेयर की भरी पड़ी है, मतलब जिन चीजों कंपनियों को जानते हो आप, जिसमें मतलब ऑटो वोल्वो मारुति, ये लोग भी कोडिंग मानते हैं यार एमटेक में आने के लिए, क्योंकि इनका जो आरएनडी सेक्शंस हैं वो सब जर्मनी के अंदर है। इंडिया के कॉलेज से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट उठाते नहीं है, यहाँ से केवल वही स्टूडेंट उठाते हैं। तो फ्रेंकली बताऊं तो ये कहानी, देखो पाथ क्या होता है, पाथ कुछ नहीं होता। हम अगर मान लीजिए आप गली में जा रहे हैं, तो जिस गली से जाओगे वही तो आपका पाथ होगा ना। तो जब आप किसी पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करते हो वो आपका पाथ होता है, आप किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए एक डायरेक्शन में मूव करते हो तो उसको पाथ कहते हैं। तो जब पाथ हम डिफाइन करते हैं तो जनरली एक प्रॉपर्टी को हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, प्रोसेस को जब हम डिफाइन, तो पाथ तो कुछ भी हो सकता है, रास्ता तो कुछ भी हो सकता है आपका। तो प्रोसेस अब कब बन जाता है वो रास्ता, जब आपका आप किसी डेस्टिनेशन, फिक्स डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हो विद दैट पाथ। ओके, सो पाथ क्या होता है? पाथ इज नथिंग बट when you go with series of equilibrium state, बहुत सारे equilibrium state के होते हुए जब आप किसी final location पे पहुंचते हो तो उसको path कहते हैं। अब path में equilibrium state का होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर equilibrium state नहीं होगी तो आप path define नहीं कर सकते, क्योंकि आप intermediate properties को measure नहीं कर सकते। तो जब भी हम कोई path बनाते हैं तो उसकी intermediate property, जो उसकी positions होती हैं वो एक equilibrium position होती है। intermediate position is always equilibrium position। या ECE तुम चूज कर सकते हो, यू कैन चूज ECE ऑल्सो। सो अभी हमारी क्लास है 10 PM से,
क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेन पी एम स्पेशल क्लास। ओके देखो यार अनन्य रॉय, आप मुझे कांटेक्ट एक बार मेरे को पिन कर दो यार टेलीग्राम पर, मैं तुमको सारी बातें सच्चाई बता दूंगा। अब एक्चुअली यहां पर प्लेटफॉर्म पे बताना पॉसिबल नहीं है सब कुछ। देखो यार टू डी फ्रैंक बोलू ना मैं, तुमको जॉब चाहिए तो बेसिकली डन एमटेक इन डाटा साइंस, डू एमटेक इन डाटा साइंस फ्रॉम एनआईटी और आईआईटी, यू विल गेट अ जॉब, गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। यू कैन पिन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर मेरे को सर्च करके मेरे को थोड़ा सा मैसेज डाल दो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके थैंक यू, तो ज्वाइन द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जिन बच्चों को स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है वो मेरी प्रोफाइल फॉलो करके आ जाइए स्पेशल क्लास में, मिलते हैं आपको स्पेशल क्लास में हम आपको, ठीक है। वहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आ रहा है वहाँ पर।